अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम् अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः बसंत ऋतुः फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्ष द्वितीया तिथिः भृगुवासरश्च चुकाब्द त्रिविंशत्यधिक एकपञ्चाशत् शतम् विक्रम संवत् अष्टसप्तत्यधिक द्विसहस्रम् फेब्रुवरी मासस्य अष्टादशी तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विभो पदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। बाल्यावस्थारे मारुति अन्य पिलामानंक ठारु संपूर्ण भिन्न थिले। छोट पिलाटिए एभली अमित शक्तिशाली हेबो बोली केही विश्वास करू नथिले। माता अंजना संतान लाभ आशारे कठोर तपस्या करी शिवंकु संतुष्ट करिथिले। शिवकृपा बलरु पुत्र प्राप्तिर बर पाइथिले। पुत्र प्रखर बुद बलबुद्धि संपन्न थिला। अमित बलशाली थिबारु प्रत्येक किछि ना किछि अद्भुत कारनामा से देखाउथिले। एभली क्रिया को नै पितांक अपेक्षा माता अधिक चिंतित थिले। एहा क्रमश बढ़िबारे लागिथाय। सेदिन मारुति एक अभावनीय कांड करि बसिले। दुई ऋषिंक आश्रम पाखापाखि थिला। मारुति दुई हातरे दुई आश्रम को उठाई अदल बदल करिदेले। ऋषिद्वय फेरिबा परे निज निज आश्रम परिवर्ते जणे अन्य जणक आश्रम रे निजकु आविष्कार करिथिले। एहा बालक हनुमानक कारनामा बोली जानि पारिथिले। ऋषि मुनि ओ आश्रमवासी हनुमानकर ए परि दृष्टामि रे व्यतिवस्त होई परस्पर मध्यरे विचार विमर्श पूर्वक देवतामानंकु आमंत्रण करि निजर दुरावस्था संपर्करे कहिथिले। देवराज इंद्र एहा सुनि कहिथिले तार एभली दुष्कर्म को प्रतिहत करिया पाई गोटिए मात्र उपाय अछि जहा कि ताकु संपूर्ण शक्तिहीन करि देबो। समस्ते कौतूहल वशत होई पचारिले ता कौन अटे देवराज? साप। देवराज एहा उत्तर देथिले। साप? क्षुद्र बालक को साप? एहा तो नितांत अशोभनीय कथा। एहा द्वारा आमे समस्ते निंदित हेबु। आमे मारुति को अति भल पाऊ। ए क्षेत्र रे साप देवा कौन संभव? से तो आमर अति प्रिय जणे वयोवृद्ध ऋषि कहिथिले। तबे आपण माने जाय उचित भावुचंदे करंतु। एहा कहि देवता माने स्वस्थान को फेरि गले। ऋषि मुनि माने परस्पर चर्चा करी शेषरे एक निष्कर्ष रे पहुंचिले जे जहाद्वारा मारुति उपस्थित क्षेत्र रे निज शक्ति भूली जिवे। उपर मुहूर्त रे निज शक्ति संपर्क रे केही चेताई देले एहा फेरी पाइबे। समस्ते एथिरे सहमत होइथिले। ऋषि माने अंजुली रे जल नै समवेत स्वर रे साप दै कहिथिले आजि ओ एई मुहूर्त रे तुमे निज शक्ति संपर्क रे भूली जिवो। एथि प्रति तुमर ध्यान न रहिबो नाही। केही सचेतन कराई देले तुमे तुम शक्ति फेरी पाइबो। मुनि ऋषिंक सम्मिलित साप तत्क्षणात फलवती होइथिला। सेई मुहूर्त रे मारुति निजर अकलनीय दिव्य शक्ति भूली एक मामूली बानर हो जाइथिले। ऋषि माने खूब खुशी होइथिले कारण एणिकि सेमानंक उपासना रे कौनसी विघ्न सृष्टिर भय नथिला। स्मरण योग्य जे परवर्ती समय रे निज शक्ति संपर्क रे सचेतन कराई देबा परे ही हनुमान समुद्र पार होई लंकागढ़ रे प्रवेश करी लंका दहन रे सक्षम होइथिले।